बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए इस मुद्दे पर दिशा निर्देश तय करना प्रस्तावित किया है। अब इस मामले को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी स्वागत योग्य है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि देश संविधान से चलेगा, सत्ता के चाबुक से नहीं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुलडोजर एक्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि मानवता और न्याय को बुलडोजर के नीचे कुचलने वाली बीजेपी का संविधान विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। किसी भी आपराधिक मामलों में आरोपी के घर और संपत्तियों पर राज्य सरकारों के बुलडोजर चलाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी इस मुद्दे पर मुखर हो चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, बीजेपी की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बुलडोजर नीति पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी स्वागत योग्य है। बुलडोजर के नीचे मानवता और इंसाफ को कुचलने वाली बीजेपी का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनकाब हो चुका है। राहुल गांधी इस मुद्दे पर आगे लिखते हैं, बेलगाम सत्ता का प्रतीक बन चुके बुलडोजर ने नागरिक अधिकारों को कुचलकर कानून को निरंतर अहंकार भरी चुनौती दी है। त्वरित न्याय की आड़ में भय का राज स्थापित करने की मंशा से चलाए जा रहे बुलडोजर के पहियों के नीचे अक्सर बहुजनों और गरीबों की ही गृहस्थी आती है। हम अपेक्षा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस अति संवेदनशील विषय पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर बीजेपी सरकारों के इस लोकतंत्र विरोधी अभियान से नागरिकों की रक्षा करेगा। देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा, सत्ता के चाबुक से नहीं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे बुलडोजर एक्शन पर सख्त नाराजगी जाहिर की थी। जस्टिस बी आर गवई ने मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, सिर्फ इसलिए घर कैसे गिराया जा सकता है कि वो आरोपी है? अगर वो दोषी है तो भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को बताने के बाद भी हमें रवैये में कोई बदलाव नहीं दिख रहा। इस याचिका पर सुनवाई कर रही पीठ में शामिल जस्टिस के बी विश्वनाथ ने कहा कि किसी को भी कमियों का फायदा नहीं उठाना चाहिए। पिता का बेटा अड़ियल या आज्ञा ना मानने वाला हो सकता है, लेकिन अगर इस आधार पर घर गिराया जाता है तो ये तरीका नहीं है। दरअसल जमीयत उलेमाए हिंद ने बुलडोजर एक्शन में धर्म विशेष को निशाना बनाए जाने के आरोप के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना उचित नहीं है। अदालत ने शासन और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो उसके घर को गिराया नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई अब 17 सितंबर को करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जवाब ही मांगा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।